वेलकम टू इलैक्ट्रिकल माइंड मेकर यूट्यूब चैनल। अज का साडा टॉपिक है ट्रांसफार्मर, जिहड़ा कि चाहे वह बीटेक डिप्लोमा या आई टी आईज़ के ट्रेनिंग हो, चाहे वह इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रॉनिक्स फील्ड के ही हो, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ ट्रांसफार्मर, जिसकी जिहड़ी वरतों है एक छोटे सर्कट तो लैके वड्डे जिहड़ियां ट्रांसमिशन लाइना तक की जाती है। तो अज का जिहड़ा इस वीडियो दे विच असीं ट्रांसफार्मर के बारे जिहड़े MCQ ने उस दे बारे जाणांगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन ट्रांसफार्मर। सो अज की वीडियो का जिहड़ा पहला क्वेश्चन हैगा, वह ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत ते काम करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसीपल की हैगा। पहली ऑप्शन हैगी आ सैल्फ इंडक्शन, बी म्यूचुअल इंडक्शन, सी मैगनैटिक ड्रैग और डी उपरोक्त विचों कोई नहीं। नाल ही मैं तुहानू समझा देवां कि ट्रांसफार्मर जिहड़ा प्रिंसीपल की गल कर रहे हैं असीं वह किस तरह काम करता हैगा। कि ट्रांसफार्मर जनरल असीं गल करते हैं एक सिंगल फेज की वाइंडिंग है इसकी कोर, और दूसरी साइड सेकेंडरी वाइंडिंग, जिस साइड सप्लाई दे रहे हैं प्राइमरी और जिस साइड सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं वो सेकेंडरी। सो जदों असीं प्राइमरी साइड नूं ए सी सप्लाई दिने हैं तो जदों इसकी साइकल चेंज हुंदा है, पॉजिटिव हाफ इनक्रीज़ हुंदा है और उस तो बाद चो डिक्रीज़ हुंदा है, फिर नैगेटिव साइड इनक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हुंदा है, तो जिहड़ी करंट की वैल्यू है वह जदों वधदी घटदी है तो इसका जिहड़ा प्राइमरी साइड का जिहड़ा वाइंडिंग है उसका मैगनैटिक फील्ड भी वधदा घटदा हैगा। जदों वाधा घटता है तो उस दे नज़दीक जिहड़ी सेकेंडरी वाइंडिंग है उस दियां टर्नां नूं कट करता है, तो इस दे विच भी सानूं EMF जिहड़ी प्राप्त हो जाती है सो इत्थे की है, इस तो दूसरी साइड जिहड़ी सानूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हुई है नज़दीक म्यूचुअल नेड़े आपस में जिहड़ी अदला बदली हुई है, तो आउटपुट सानूं इस साइड तो सेकेंडरी तो मिलती है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन दे राही जिहड़ी ट्रांसफार्मर तो एनर्जी दूसरी साइड प्राप्त हुई है, तो जिहड़ा इहदा प्रिंसीपल है सिद्धांत हैगा वो असी बी ऑप्शन ते लगावांगे कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत ते कम करता है। दूसरा क्वेश्चन हैगा, ऑटो ट्रांसफार्मर विच किन्नियां वाइंडिंग हुंदियां ने। ऑप्शन हैगी है 1, 2, 3 और 4। पहला असी ऑटो ट्रांसफार्मर नूं समझ लईए कि ऑटो ट्रांसफार्मर हुंदा किस तरह। ऑटो ट्रांसफार्मर दे विच जिहड़ी वाइंडिंग है वो इक्को ही वाइंडिंग है, ये साइड आ गई प्राइमरी वाइंडिंग जिहनूं असीं इनपुट दिंदे हां, और इस दे विच्चों ही टैपिंग निकाल के जिहड़े आउटपुट प्राप्त कीती जांदी है, इस दे विच्चों ही आउटपुट प्राप्त कीती जांदी है जिन्नी सानूं जरूरत हुंदी है। ये मैनुअल भी हो सकती है और रिले दे द्वारा भी असीं प्राप्त कर सकते हैं। इत्थे सानूं जे सेकेंडरी साइड तो असीं घट टर्ना यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी नालों, तो आउटपुट जिहड़ी हैगी उह सानूं घट मिलेगी, और अगर प्राइमरी दियां टर्ना तो सेकेंडरी साइड दियां टर्ना असीं जिहड़ियां ज़्यादा यूज़ करांगे, जिवें इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक, तो प्राइमरी नालों टर्न इस दियां इनक्रीज़ हो गईआं तो आउटपुट वध मिलेगी। तो इक्को वाइंडिंग ही काम करदी आ प्राइमरी और सेकेंडरी दा, तो इत्थे जिहड़ा हैगा ऑटो ट्रांसफार्मर है उस दे विच इक वाइंडिंग हुंदी आ, ये ऑप्शन है एक वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर विच हुंदी है। तीसरा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर दी जिस वाइंडिंग नूं असीं सप्लाई दिंदे हाँ उस वाइंडिंग नूं की कहिंदे हन, यानी कि जिस साइड नूं असीं सप्लाई दिंदे हां तो उस नूं की कहिंदे आ। जिवें पहले क्वेश्चन विच ही समझाया सी तुहानूं कि ट्रांसफार्मर जिहड़ा उस दी प्राइमरी साइड है जिस नूं असीं सप्लाई दिंदे आ इनपुट दिंदे आ वो हैगी आ प्राइमरी साइड हैगी आ, तां इत्थे जिहड़ी ऑप्शन मंगियां गईयां ने दसियां गईयां ने सॉरी सेकेंडरी प्राइमरी स्टार्टिंग और रनिंग, इस दे विच की है जिहड़ी सप्लाई असी जिसनों दिने इनपुट दिने उसनों प्राइमरी वाइंडिंग कहने हैं, तो जिहड़ी इहदी ऑप्शन बी सही हैगी है जिसनों सप्लाई दिने प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। इस तरह चौथा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा, ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग तो सप्लाई लेंदे हाँ असी यानी कि प्राप्त करते हाँ उस वाइंडिंग नूं की कहते हैं, उस तरह ऑप्शन ने ए हैगी है रनिंग, बी स्टार्टिंग, सी सेकेंडरी और डी हैगी है प्राइमरी। तो इस दे विच जिहड़ी नाल ही क्लीयर हो जाएगा कि
प्राइमरी साइड तो असी इनपुट दिने हैं और सेकेंडरी तो असी जिहड़ी सप्लाई प्राप्त करते हैं। दो वाइंडिंग होंदियां ने प्राइमरी और सेकेंडरी एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दे विच जनरल जिहड़ी असी गल करते हैं तो सेकेंडरी साइड तो असी प्राप्त करते हैं। तो इत्थे जिहड़ी ऑप्शन सी हैगी आ सेकेंडरी ट्रांसफार्मर दी जिस वाइंडिंग तो सप्लाई लेंदे हाँ उस वाइंडिंग नूं सेकेंडरी वाइंडिंग कहिंदे हन। पंजवां क्वेश्चन करंट ट्रांसफार्मर किस काम आउंदा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर काफ़ी टाइप के होंदे आ तो उन्होंने जिहड़ा करंट ट्रांसफार्मर के बारे इस क्वेश्चन दे विच पुछया गया है। ए ऑप्शन है ज़्यादा करंट, बी हैगा ज़्यादा वोल्टेज, सी हैगा घट वोल्टेज और डी हैगा घट करंट। नाल ही तुहानूं मैं दिखा देवां कि करंट ट्रांसफार्मर असी किस नूं कहिंदे आ। ए करंट ट्रांसफार्मर की जिहड़ी पिक हैगी आ उस दे विच जिहड़ी ए कंडक्टर दिखाया गया ए मेन जिहड़ा कंडक्टर है इसनों प्राइमरी वाइंडिंग के तौर पर वरत्या जाता है और इस दे उपर जिहड़ा सर्कल नज़र आ रहा ये जिहड़ी हैगी सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग है ये बेसिकली जिहड़ा हाई टेंशन जां एक्सट्रा हाई टेंशन जिहड़ियां लाइन ने उन्हां दे करंट नूं मेजर करन दे लई कीता जांदा है। ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग मोटी तार अते घट टर्ना कई बार इको टर्न ही इसकी बनाई जाती है सीधी रखी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग जिहड़ी है वो पतली तार जिहड़ी पतली तार है और उस दियां ज़्यादा टर्ना दी दे के बनाई जाती है जिस नाल करंट की मात्रा घट हो जाती है। तो जिहड़ी प्राइमरी वाइंडिंग आ वो लाइन के सीरीज सीधी जुड़ जाती है और जिहड़ी अंपेयर मीटर है वो सेकेंडरी वाइंडिंग दे नाल जुड़ के करंट नूं मेजर करता है। इस तरह असी हाई जिहड़ा करंट है उस नूं मापन दे लई जिहड़ा करंट ट्रांसफार्मर की वरतों करते हैं इस नूं असी सी टी दे नाल नाल भी जानते हैं। तो इसकी जिहड़ी ऑप्शन है ज़्यादा करंट, करंट ट्रांसफार्मर ज़्यादा करंट नूं मापन दे लई कम आउंदा है। नैक्सट क्वेश्चन हैगा ट्रांसफार्मर का कम की हुंदा है, ट्रांसफार्मर का कम की हैगा। ए फ्रीकुएंसी बदलना, बी वोल्टेज वधाउणा, सी वोल्टेज घटाउणा और डी हैगा वोल्टेज नूं घट जां ज़्यादा करना। क्योंकि ट्रांसफार्मर दे दौरान जदों असी सप्लाई प्राइमरी तो नैक्सट सेकेंडरी तो प्राप्त करते हैं प्राइमरी नूं इनपुट दे के तो फ्रीकुएंसी चेंज नहीं हुंदी और वोल्टेज वधा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इत्थे जिहड़ी डी ऑप्शन हैगी आ वोल्टेज नूं घट अते ज़्यादा करन दे लई कीता जांदा इसका ऑप्शन जिहड़ी हैगी आ डी हैगी आ। जदों ट्रांसफार्मर स्टैप अप होएगा तो वोल्टेज नूं इनक्रीज़ करेगा वधाएगा प्राइमरी तो और अगर स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वह प्राइमरी तो जिहड़ी सेकेंडरी साइड की वोल्टेज नूं घट करेगा। इस तरह जिहड़ा ट्रांसफार्मर है वह वोल्टेज नूं घट जां ज़्यादा करन दे लई वरत्या जांदा हैगा। अगला क्वेश्चन हैगा ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत ते कम करता है। तो ऑप्शन हैगी सेल्फ इंडक्शन, बी हैगा म्यूचुअल इंडक्शन, सी दोनों और डी दोनों विचों कोई नहीं। जिवें असी पहला समझिया सी ऑटो ट्रांसफार्मर दे बारे कि इस दे अंदर जिहड़ी इको वाइंडिंग हुंदी है इको वाइंडिंग तो ही प्राइमरी साइड और उस वाइंडिंग तो ही जिहड़ियां सेकेंडरी साइड असी यूज़ करते हैं नंबर ऑफ जिहड़ियां टर्न ने उसनों वधा घटा के तो इको ही वाइंडिंग हैगी है इको वाइंडिंग ही इसे दी सप्लाई है असी जदों दिने हैं तो इस तो जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड तैयार होना है और वो अपनियां ही टर्नां नूं कट करता है और उसके अंदर EMF इंड्यूस हुंदी है। तो ये सेल्फ इंडक्शन यानी कि खुद ही जिहड़ी इंडक्शन हैगी आ उस दे सिद्धांत ते कम करता है। तो सेल्फ इंडक्शन दे सिद्धांत ते ऑटो ट्रांसफार्मर कम करता है तो इसकी ऑप्शन ए सही हैगी है। अगला क्वेश्चन हैगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस काम आउंदा है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मीनस PT कह दिंदे आ असीं। इसकी ऑप्शन ए हैगी ज़्यादा करंट, बी ज़्यादा वोल्टेज, सी वाटेज और डी हैगा उपरोक्त विचों कोई नहीं। तो जिहड़ा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हैगा वो है की है तुहानूं नाल उसकी डायग्राम दिखा देवां। इस नूं असीं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कह दिंदे आ PT और ये जिहड़ा ट्रांसफार्मर आ हाई टेंशन और एक्सट्रा हाई टेंशन जिहड़ियां लाइनां ने उन्हां दी वोल्टेज नूं मेजर करन दे लई वरत्या जांदा है। ये एक स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसकी जिहड़ी प्राइमरी वाइंडिंग है उन्हूं बहुत ज़्यादा टर्ना दे के बनाया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग नूं जिहड़ी है मोटी तार ते घट टर्ना दा बनाया जाता है। सो इसकी जिहड़ी रेंज हैगी है सेकेंडरी साइड वो 110 वोल्ट की रेंज हुंदी है और जिहड़ी इहदी स्केल दी रेशो नूं असीं वंड के हाई वोल्टेज नूं असीं जिहड़ी मेजर कर लैंदे हां। तो इसका जिहड़ा ऑप्शन इहदे विच असीं देखियां सी वह सीगियां ज़्यादा वोल्टेज, जिहड़ा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ज़्यादा वोल्टेज नूं
मेजर करने लई मापन दे लई वरत्या जांदा, तां इसदी ऑप्शन बी सही हैगी है। नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन हैगा वो ट्रांसफार्मर विच हमिंग किस दे कारण हुंदी है। हमिंग मीनस जिस तरह आवाज़ आउंदी है उस दे अंदर किस कारण हुंदी है। बी हैगी आ स्टैंपिंग टाइट होण करके, बी स्टैंपिंग ढिल्ली होण करके, और सी उपरोक्त दोनों, और डी उपरोक्त विचों कोई नहीं। स्टैंपिंग जिहड़ी असीं गल कर रहे हैं वह की है, कोर जिहड़ी कोर हैगी आ इसनूं असीं जिहड़ा इकट्ठी कीती हुई है स्टैंपिंग कह दिंदे हां, जिस तरह इहदे विच ई और आई दी जिहड़ी कॉम्बीनेशन दिखाया गया। तो यह जी ट्रांसफार्मर की कोर है सिलीकॉन स्टील की बनाई हुई होंगी है, तो यह जदों लूज़ होंगी है जे इस दियाँ प्रॉपर इसनों फिक्स ना किया हो जड़िया शीट ने कोर दियाँ स्टील दियाँ सिलीकॉन स्टील दियाँ लूज़ होन, तो एसी सप्लाई दे विच की है एक हाफ दे विच वह पॉजिटिव हाफ और दूसरे हाफ जिहड़ा सैकेंड हाफ है वह नैगेटिव है। तो इस तरह की है ये वाइब्रेट होंदिया ने कि एक बार वो खिचियां जांदियां और दूसरे हाफ दे विच ये रिपेल होंदियां, इस दे कारण इस दे विच वाइब्रेशन होंदी है जिहड़ी हमिंग दी आवाज़ आउंदी है। तो इसका जिहड़ा सही आंसर है स्टैंपिंग ढिल्ली यानी कि लूज़ होण दे कारण हमिंग दी आवाज़ आउंदी है। नैक्सट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर की जिहड़ी कपैसिटी नाल रिलेटड है कि ट्रांसफार्मर की जिहड़ी समर्था हैगी है कपैसिटी वह किस तरह दर्शाई जाती है। जदों असीं कोई भी ट्रांसफार्मर लैना हुंदा खरीदना हुंदा तो उस दे विच जिहड़ी ऑप्शन दित्तियां ने ए किलोवाट, बी के वी ए, सी एच पी यानी कि हॉस पावर, डी के डबल्यू एच किलोवाट आर। तो इस दे विचों जिहड़ी सही ऑप्शन हैगी है वह के वी ए है, के वी ए किलो वोल्ट एम्पेयर हैगी है, बी ऑप्शन सही है क्योंकि ट्रांसफार्मर जिहड़ा मैनुफैक्चर कर रहा, क्योंकि ट्रांसफार्मर असी एसी सप्लाई ते यूज़ करते हैं और एसी दे विच साडे कोल तीन तरह के लोड आ जांदे, रजिस्टिव, इंडक्टिव और कपैसिटिव, और जिहड़े कपैसिटिव और इंडक्टिव लोड चेंज होण दे नाल पावर फैक्टर ते इफेक्ट पैंदा। सो असी फिक्स नहीं उहदी कपैसिटी दस सकते, पावर फैक्टर चेंज होण नाल उसदे लोड चक्कण दी समर्था ते फर्क पैंदा, इस करके जिहड़ी इहदी कपैसिटी आ उह के वी ए दे विच दर्शाई जाती है, इसकी ऑप्शन बी सही है। सो 11वां क्वेश्चन ट्रांसफार्मर विच किहड़े किहड़े लॉस हुंदे हन। ऑप्शन हैगियां ने ए कॉपर लॉस, बी आयरन लॉस, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त दोनों विचों कोई नहीं। ट्रांसफार्मर एक जिहड़ा स्टैटिक डिवाइस है, स्थिर जिहड़ा मशीन हैगी है, इस दे विच कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं हुंदा, घूमन वाला कोई हिस्सा नहीं हुंदा। तो इस दे विच जिहड़े लॉस हैगे आ उहनां दे विच जिहड़े कॉपर लॉस उसकी वाइंडिंग के अंदर और आयरन लॉस उसकी जिहड़ी कोर हैगी है जिस दे उपर वाइंडिंग की गई है उस दे विच हुंदे आ, तो उस दे विच दोनों जिहड़ा सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों कॉपर लॉस और आयरन लॉस जिहड़ा सी ऑप्शन है वह सही हैगा। नैक्सट क्वेश्चन हैगा ट्रांसफार्मर विच आयरन लॉस किस टेस्ट के द्वारा पता किए जाते हैं। आयरन लॉस कितने होंगे ट्रांसफार्मर की जिहड़ी कोर हैगी है, कोर जिहड़ी सिलीकॉन स्टील मटीरियल की बनाई होंगी है और उस कोर के उपर ही वाइंडिंग की जाती है। तो इस दे ऑप्शन ने ओपन सर्कट टैसट के द्वारा, बी हैगा शॉर्ट सर्कट टैसट द्वारा, और सी हैगा दोनों, और डी उपरोक्त दोनों विचों कोई नहीं। तो जिहड़े ये टैसट हैगे ये जिहड़ी हाई वोल्टेज साइड है एच वी साइड है उसनों ओपन रखा जाता, ओपन सर्कट असी इसनों कहने हैं, जिहड़ी सेकेंडरी वाइंडिंग है एच टी साइड है उसनों ओपन रखा जाता, और इस दे उपर जिहड़ा वॉट मीटर लग्या एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर है, तो इत्थे जिहड़ा वॉट मीटर सानू रीडिंग देगा किन्नी वोल्टेज शो कर रहा वो इस दे जिहड़े आयरन लॉसिज होणगे, ओपन सर्कट है आयरन लॉसिज होणगे। तो जिहड़ा ओपन सर्कट टैसट हैगा ट्रांसफार्मर का वो आयरन लॉस पता करन दे लई कीता जांदा, तो इसका जिहड़ा आंसर हैगा ए हैगा ओपन सर्कट टैसट के द्वारा आयरन लॉस असी ट्रांसफार्मर के पता करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ट्रांसफार्मर विच कॉपर लॉस किस टैसट के द्वारा पता किए जाते हैं। जिस तरह आयरन लॉस जिहड़े ओपन सर्कट टैसट द्वारा किए सी, तो इत्थे असी चैक करना हैगा कि कॉपर लॉस असी किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन हैगियां ने ए ओपन सर्कट टैसट, बी हैगा शॉर्ट सर्कट टैसट के द्वारा, और सी उपरोक्त दोनों, डी हैगा उपरोक्त दोनों विचों कोई नहीं। तो इस दे विच जिस तरह आयरन लॉस ओपन सर्कट टैसट के द्वारा फाइंड आउट करते हैं, तो जिहड़े कॉपर लॉस ने वो शॉर्ट सर्कट टैसट के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। इस दे विच जिहड़ा ट्रांसफार्मर की जिहड़ी साइड हैगी है
एल टी साइड लो टेंशन साइड उसनों असी शॉर्ट कर देने हैं और एच टी साइड हाई टेंशन साइड असी सप्लाई देने हैं। इत्थे भी वोल्टमीटर अंपेयर मीटर और वॉटमीटर जिहड़ा लगाया गया तो इहनूं असी जदों शॉर्ट करते हैं तो इस दे रेटेड करंट तक लैके जाने हैं जिन्नी रेटिंग का ये करंट जिहड़ा सह सकता हैगा। तो इहदी पूरी वाइंडिंग दे विच्चों जदों करंट फ्लो करता है वाइंडिंग शॉर्ट है जिहड़ी एल टी साइड तो जदों पूरा करंट रेटेड करंट ते पहुँच जाते हैं तो वॉटमीटर जिहड़ी रीडिंग दिंदा तो वह उसके कॉपर लॉस शो करता किन्ने कॉपर लॉस हो रहे हैं। तो इस तरह असी जिहड़े ट्रांसफार्मर दे विच कॉपर लॉसिज़ है वह शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा फाइंड आउट करते हैं तो इसकी जिहड़ी ऑप्शन बी सही है ट्रांसफार्मर विच कॉपर लॉस शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा पता किए जाते हैं। नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन हैगा ट्रांसफार्मर विच किहड़े लॉस स्थिर हुंदे है यानी कि कॉन्सटेंट है उन्होंने उपर कोई इफेक्ट नहीं पैंदा चाहे लोड इनक्रीज़ होवे चाहे लोड चल रहा होवे चाहे ना चल रहा होवे तो लॉसिज नूं असी पता करना है किहड़े लॉसिज ने जिहड़े स्थिर रहिंदे ट्रांसफार्मर दे विच। ए हैगा कॉपर लॉस, बी हैगा आयरन लॉस, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त दोनों विच्चों कोई नहीं। तो जदों भी ट्रांसफार्मर सप्लाई नाल जुड़िया होया हुंदा उस दे उपर चाहे लोड चल रहा होवे चाहे ना चल रहा होवे तो उस दे विच आयरन लॉस जिहड़े आ उह स्थिर रहिंदे आ उह उन्ने लॉसिज चलते ही रहिंदे आ। तो इसका जिहड़ा ऑप्शन है बी हैगा ट्रांसफार्मर विच जिहड़े आयरन लॉस है उह स्थिर हुंदे हन। लास्ट क्वेश्चन हैगा ट्रांसफार्मर विच किहड़े लॉस अस्थिर होंदे आ, अस्थिर मीनस जिहड़े स्थिर नहीं रहिंदे कॉन्सटेंट नहीं रहिंदे चेंज होंदे रहिंदे आ उहनां दे विच ऑप्शन ए हैगी आ कॉपर लॉस, बी हैगी आ आयरन लॉस, सी हैगी आ उपरोक्त दोनों और डी हैगा उपरोक्त दोनों विच्चों कोई नहीं। तां जिहड़े कॉपर लॉस ने वो वाइंडिंग दे विच होंदे आ और जदों लोड इनक्रीज़ हुंदा जां डिक्रीज़ हुंदा है घटदा जां वधदा उस दे नाल जिहड़े लॉसिज़ है वो वेरी करदे आ और उस दी वाइंडिंग दे विच जदों करंट फ्लो हुंदा तो जिहड़े ये कॉपर लॉस है वो अस्थिर हुंदे आ। तो इसकी ऑप्शन ए सही है ट्रांसफार्मर विच कॉपर लॉस अस्थिर हुंदे हन। सो असी इस वीडियो दे विच ट्रांसफार्मर दे बारे जिहड़े MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिहड़े दित्ते आ तुहानू उम्मीद करदे आ इस तों तुहानू जानकारी मिली होवेगी और इस तों नैक्सट पार्ट दे विच इस दे ट्रांसफार्मर नाल रिलेटड होर क्वेश्चन भी तुहानू देवांगे तां कि जिहड़े तुहाडे टेस्ट हैगे आ जां फाइनल एग्जाम ने उहनां दे विच वधिया स्कोर मिले। सो वीडियो नूं लास्ट तक देखण लई थैंक यू वेरी मच और नाल ही जिहड़े साथी इस चैनल ते नवे ने और उस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करन तां कि तुहाडे तक नवीं तों नवीं वीडियो मिलदी रहे।